तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चास बोकारो और ये रहा आप लोग दुर्गा पूजा पंडाल देख सकते हो जो कि इस साल तिरुपति बालाजी के थीम पे इस दुर्गा पूजा पंडाल को बनाया गया है जो कि काफी खूबसूरत दिख रहा है। सो दोस्तों ये रहा, यहाँ पे भी डेकोरेशन काफी अच्छा किया गया है और आप लोग दुर्गा माता का दर्शन कर सकते हो यहाँ से। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चास बुनियादी हाई स्कूल जो कि जोड़ा मंदिर के सामने में ये दुर्गा पूजा पंडाल बना है जो कि देख सकते हो काफी यूनिक यहाँ पे भी बना है गोल्डन टेम्पल के थीम पे जो कि बंगाल पे स्थित है। और ये रहा पूरे फील्ड का नज़ारा और यहीं पे बना है ये टेम्पल। हाँ दोस्तों अंदर का नज़ारा जो कि यहाँ पे भी झूमर लगा हुआ है और यहाँ पे आप लोग दुर्गा माता का दर्शन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ चास बोकारो जो कि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं कि चास में किस तरह से दुर्गा पूजा पंडाल बना है जो कि यहां पे दो दो दुर्गा पूजा पंडाल बना है, एक तिरुपति और एक कुछ थीम पे है जो कि उस पर भी हम लोग उस लोकेशन पे जाने वाले हैं और जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ पर किस तरह से दुर्गा पूजा पंडाल बना है। बाकी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से अभी मेले का अभी तैयारी चल रहा है, किस तरह से पंडाल है, सारा चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा, अभी हम लोग आ चुके हैं चास और सामने में आप लोग देख सकते हो तिरुपति बालाजी के थीम पे इस दुर्गा पूजा पंडाल को बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे की ओर और आगे से आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे तैयारी चल रहा है, मेला किस तरह से है, क्या नहीं। बाकी आप लोग देख सकते हो इधर सामने सामने में मूँगफली भी बिक रहा है, वहाँ जलेबी। बाकी यहाँ पर आप लोग पूजे का सामग्री ले सकते हो। और ये रहा, यहाँ से आप लोग दर्शन कर सकते हो तिरुपति बालाजी के थीम पे इस दुर्गा पूजा पंडाल को बनाया गया है जो कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ा हाइट है और इस जगह से स्पेस नहीं होने के कारण इसको थोड़ा सा पंडाल को छोटा बनाया जाता है ताकि लोग भी यहाँ पे आराम से आ जा सके। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये आप लोगों को दुर्गा पूजा पंडाल कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अंदर की ओर और अंदर का आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे बना है। बाकी आप लोग ये रहा देख सकते हो, तो यहाँ से हम लोगों को अंदर की ओर प्रवेश करना है जो कि देख सकते हो काफ़ी बड़ा हाइट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो दोस्तों ये रहा, यहाँ पे भी डेकोरेशन काफ़ी अच्छा किया गया है और आप लोग दुर्गा माता का दर्शन कर सकते हो यहाँ से। ये रहा दुर्गा माता का आप लोग दर्शन यहाँ पे कर सकते हो। बाकी आप लोग कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि ये आप लोगों को दुर्गा पूजा पंडाल कैसा लगा और ऊपर पे आप लोग देखिए किस तरह से सजावट किया गया है, काफ़ी अच्छा किया गया है। छोटा सा स्पेस पर इतना अच्छा डेकोरेशन किया गया है कि क्या ही बोलें। बाकी देख सकते हो यहाँ पे बाजा वगैरह लगा हुआ है जो कि आप लोग सुनाई दे रहा होगा बाजा। और ये रहा दुर्गा माता का आप लोग यहाँ से दर्शन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अब बाहर की ओर और बाहर का आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूँ क्या कुछ हो रहा है। हम लोग बाहर आ चुके हैं और बाहर से आप लोगों को मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ दुर्गा पूजा पंडाल का जो कि देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत बना है। और ये रहा सामने सामने में आप लोग दुकान देख सकते हो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेला लगा हुआ है। और ये रहा यहाँ से आप लोग नज़ारा देख सकते हो काफ़ी अच्छा बना है। तो अब हम लोग चलेंगे चेक पोस्ट और वहाँ का भी दुर्गा पूजा पंडाल को आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चास के बुनियादी हाई स्कूल के सामने में जो कि यहीं पर आप लोगों को जोड़ा मंदिर भी देखने को मिलेगा जो कि इस जगह पर भी काफ़ी बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल बना है। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर और अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से दुर्गा पूजा पंडाल को बनाया गया है। हाँ दोस्तों, इसका एंट्रेंस गेट और सामने में आप लोग जोड़ा मंदिर देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं। और ये रहा, यहाँ पे हमेशा आप लोगों को पार्टी साटी देखने को मिलता है और बुनियादी हाई स्कूल उस साइड पर रह गया। और ये रहा यहाँ का पंडाल का कुछ नज़ारा जो कि देख सकते हो यहाँ का। तो चलिए चलते हैं हम लोग अंदर की ओर और यहाँ से आप लोग देख सकते हो
दुर्गा पूजा पंडाल को, जो कि काफ़ी खूबसूरत बना है। यहाँ पे यदि आप लोग आते हैं तो रात को SRP लाइट भी ऊपर पे लगा हुआ है, ये सब जलता है तो और काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अंदर की ओर, और अंदर से आप लोगों को दुर्गा माता का दर्शन करवाता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे बना है। और ये रहा दोस्तों अंदर का नज़ारा, जो कि यहाँ पे भी झूमर लगा हुआ है, और यहाँ पे आप लोग दुर्गा माता का दर्शन कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा जय माँ दुर्गा। और ये रहा पंडाल के अंदर का कुछ नज़ारा। और यहाँ से आप लोग दर्शन कर सकते हो दुर्गा माता का। और ये रहा यहाँ पे भी कलश स्थापना तो हो ही चुका है, बाकी ये रहा दुर्गा माता का प्रतिमा, आप लोग देख सकते हैं। और ये रहा चारों तरफ का कुछ नज़ारा। दोस्तों यहाँ का जो दुर्गा पूजा पंडाल है वो गोल्डन टेंपल के थीम पे बनाया गया है, जो कि ये बंगाल में स्थित है। तो चलिए चलते हैं हम लोग बाहर की ओर, और बाहर से आप लोगों को मैं नज़ारा दिखाता हूँ। पूजा हो रहा है और शाम को काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहता है। तो चलिए बाहर, जो कि जोड़ा मंदिर के सामने में ये दुर्गा पूजा पंडाल बना है, जो कि देख सकते हो काफ़ी यूनिक यहाँ पे भी बना है गोल्डन टेंपल के थीम पे, जो कि बंगाल पे स्थित है। और ये रहा पूरे फील्ड का नज़ारा, और यहीं पर बना है ये टेम्पल। बाकी दोस्तों आप लोगों को चास का दुर्गा पूजा पंडाल कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोग बोकारो का दुर्गा पूजा पंडाल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथ ही में ततरास का जितना भी दुर्गा पूजा पंडाल है उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। एंड दोस्तों यदि आप लोगों को रांची का भी वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चास का आप लोगों को दुर्गा पूजा पंडाल कैसा लगा। और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।